इस खबर के प्रायोजक हैं साहनी गारमेंट्स, द फैमिली शॉप, मेंस वियर, किड्स वियर एंड लेडीज वियर का फेमस शोरूम पलियाकला कीरी, उत्तर प्रदेश। संपर्क करें 9120416565 या 8182838458 पर। नमस्कार, मैं खुशबू और आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज 24। आइए देखते हैं अमेठी के मुसाफिरखाना से खबर। रक्षाबंधन के त्योहार पर उमड़ी भारी भीड़, सोशल डिस्टेंसिंग का नहीं हो रहा पालन। रक्षाबंधन के पर्व पर नगर के विभिन्न गलियों में उमड़ी भीड़ को देखते हुए कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सड़क पर उतरकर लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराते हुए हजारों मास्क बांटे। आपको बताते चले, आज सोमवार 3 अगस्त को रक्षाबंधन के त्योहार पर मुसाफिरखाना बाजार में मिठाई व रक्षासूत्र खरीदने के लिए भीड़ उमड़ पड़ी। कारण यह है कि प्रशासन ने शनिवार व रविवार को बंदी घोषित कर रखा था। हालांकि रविवार को बंदी में कुछ ढील दी गई थी, लेकिन सब लोग खरीदारी नहीं कर पाए क्योंकि दुकानदार तैयारी ही नहीं कर पाए थे, इसलिए आज बाजार में भारी भीड़ उमड़ पड़ी। परंतु लोग ना तो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे हैं और ना ही मास्क लगाए हुए हैं। ये देखकर कांग्रेस नेता हनुमंत विश्वकर्मा ने अपने साथियों के साथ मिलकर लोगों को मास्क वितरित किया और सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखने के लिए लोगों से आग्रह भी किया। उनके इस कार्य में उनके साथियों रामशरण, विकास व हिमांशु जायसवाल के साथ मिलकर नगर के बस अड्डा, गाल मंडी, स्टेट बैंक, गौरीगंज, तिराहा आदि जगहों पर स्टॉल लगाकर लोगों को मास्क बांटकर जागरूक किया। हनुमंत विश्वकर्मा ने कहा कि कोरोना भयानक रूप ले चुका है, इसमें बिना वजह घर से निकलना बहुत बड़ी लापरवाही है। हमने लोगों को बताया कि आवश्यक कार्य के लिए ही घर से निकलें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और मास्क जरूर लगाएं। प्राइम न्यूज 24 के लिए राम प्रसाद शुक्ला, ब्यूरो प्राइम न्यूज 24 के साथ अनिल कुमार दुबे की रिपोर्ट। नगर में भीड़ भाड़ देखते हुए हम लोग क्षेत्र के जो विभिन्न स्थानों से रक्षाबंधन के पर्व पे निकले हैं, उनको मास्क वितरण किया गया, क्योंकि इस भयंकर महामारी से बचने के लिए एक यही जरिया है। देखे कि काफी लोग मास्क नहीं लगाए थे, ऐसे बाजारों में खरीदारी कर रहे थे, इनको मास्क वितरण कराया गया। हमारी पार्टी, हमारे सारे कार्यकर्ता लगातार ये काम कर रहे हैं। निश्चित रूप से भारत सरकार को चाहिए कि वो भी मास्क बंटवाएं, जिससे हमारे देश के लोग सुरक्षित रहें।